नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आपका बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चलते प्रभारी प्रियंका गांधी ने एक मास्टर स्ट्रोक वहां चल दिया है। प्रियंका ने ऐलान किया है कि यूपी में 40% टिकटें यानी कि 403 में से करीब 161 टिकट महिलाओं को दी जाएगी। प्रियंका ने ऐसा करके महिलाओं के बड़े वोट वर्ग का भरोसा जीतने की रणनीति का दांव चला है। इससे पहले सोनिया गांधी ने लोकसभा व विधानसभा में 33% महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के प्रयास किए थे, लेकिन अन्य सियासी दलों के विरोध के चलते यह संभव नहीं हो पाया था। ऐसे में प्रियंका गांधी ने इस चुनौती को स्वीकार किया है, यूपी में इसे लागू करने का ऐलान कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या अन्य राज्यों में चुनाव में भी कांग्रेस ऐसा स्टेप उठाएगी, क्योंकि कांग्रेस में हर राज्य से महिलाओं ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे हर जगह लागू करने की मांग की है। लेकिन जानकारों का यह मानना है कि यूपी में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, इसीलिए वहां तो फैसला लागू करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, इस फैसले का भाजपा और अन्य दलों के पास कोई काट नहीं है, क्योंकि फैसले के खिलाफ बोलना भी थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि बोलते ही महिला विरोधी मानसिकता का ठप्पा लग सकता है। आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें, लेकिन उससे पहले इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं वो आपको सुनवा देते हैं। 40% आज हमारी पहली प्रतिज्ञा के बारे में बात करना चाहती हूं मैं। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। ये फैसला हमने किस लिए किया? जब मैं 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश प्रचार के लिए आई थी, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियां मेरे से मिली और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से यूनिवर्सिटी के नियम कानून, हॉस्टल के नियम कानून उनके लिए अलग थे और पुरुषों के लिए अलग। ये निर्णय उनके लिए लिया है। तो क्या कुछ प्रियंका गांधी ने कहा, ये हमने आपको सुनवाया है, जहां पर इस बात को उन्होंने साफ किया है कि कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है, बिसात बिछ चुकी है और पहला दाव ही आधी आबादी को लेकर उन्होंने चला है। कितना कारगर ये साबित होता है, ये बड़ा सवाल है। हालांकि इससे पहले सोनिया गांधी भी ऐसा ही कुछ मूव चल चुकी है, लेकिन बहुत ज्यादा सफल हुई नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी ने इस चुनौती को स्वीकार किया है और अब ये बड़ा मूव यहाँ पर उन्होंने चला है, जहां पर अब महिलाओं को ज्यादा तवज्जो उन्होंने दी है। हालांकि इस बड़े फैसले के साथ सरगर्मियां जो है राजनीति में वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। चलिए चर्चा की अब शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संगीता गर्ग जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, कांग्रेस नेता हैं। इसके अलावा बीजेपी नेता अशोक शेखावत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर। शुरुआत में संगीता जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। देखिए, आप भी महिला हैं और आज चर्चा का हिस्सा भी आप ही बनी है और प्रियंका गांधी ने महिलाओं को लेकर जो बड़ा बयान दिया है, उत्तर प्रदेश की चुनावी बिसात तो बिछ चुकी है और पहला दाव भी कांग्रेस ने आधी आबादी को लेकर चला है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तस्वीर बदलेगी? देखिए रंजना, आपने देखा कि किस तरीके से प्रियंका जी वहाँ पर महिलाओं की आवाज़ उठा रही हैं, किसानों की आवाज़ उठा रही हैं, हर उस उत्पीड़ित व्यक्ति की आवाज़ उठा रही हैं। इसी से जो भारतीय जनता पार्टी में डर, भय, चिंता व्याप्त है। और अब जो प्रियंका गांधी जी को धन्यवाद देते हुए ये बताना चाहूंगी कि प्रियंका जी ने महिलाओं का हक, अधिकार, सम्मान देने के लिए और तमाम उन बेटियों और महिलाओं को श्रद्धांजलि दी है जो उत्पीड़न से अपनी जान गंवा चुकी, लेकिन साथ ही साथ हर बेटी के सशक्तिकरण के लिए, संबल देने के लिए हमेशा से, वैसे तो देखिए हमेशा से कांग्रेस पार्टी ने ही महिलाओं को संबल दिया है, सशक्त किया है, चाहे वोट देने का अधिकार रहा हो, चाहे पंचायती राज चुनाव में चुनाव लड़ने का अधिकार रहा हो, हमेशा से कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को सशक्त किया है, संबल दिया है। लेकिन यूपी में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा
जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा था, और वहां पे हाथरस की बेटी, उन्नाव की बेटी के साथ साथ तमाम उन बेटियों को श्रद्धांजलि दी गई है, महिलाओं को टिकट दे दिया जाएगा। और साथ ही साथ वहां पर लखीमपुर में मैंने सुना था प्रियंका जी कह रही थी कि लखीमपुर में एक बेटी ने कहा मैं प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ, ऐसी बेटियों को आगे लाने के लिए। और बहुत सारी बच्चियां जिनका सपना है राजनीति में आने का, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनको संबल देने के लिए प्रियंका जी ने कहा कि हम 40% टिकट महिलाओं को देंगे। मैं तो कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन मैं पिछले 2 दिनों से देख रही हूँ और अन्य जगह भी मैं डिबेट में गई, वहां पर ये लोग स्वागत नहीं करते, ये उलझुल अनर्गल बातें करते हैं। भैया मैं पूछना चाहती हूँ साहब, क्या आप इस बात से खुश नहीं है? क्या महिलाओं को आप सशक्त नहीं करना चाहते? दूसरी बात मैं बताना चाहूंगी कि संसद में जब लोकसभा में 33% आरक्षण बिल लाया गया तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको पास क्यों नहीं किया? सोनिया जी हमेशा से चाहती हैं कि महिलाओं को 33% आरक्षण राजनीति में मिलना चाहिए, लेकिन आज भी वो बिल केंद्र में अटका हुआ है, क्यों? इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी देगी नहीं, लेकिन सिर्फ उलझुल बातें करना, अनर्गल बातें करना। तो मैं कहती हूँ क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहेंगे क्या कि हम इस बात से खुश नहीं? ठीक है, ठीक है, आप कह दीजिए साफ। अशोक शेखावत जी, अशोक शेखावत जी, आप मुस्कुरा रहे थे जब यहाँ पर संगीता जी कह रही थी कि आप खुश हैं कि नहीं है, लेकिन उम्मीद मैं करती हूँ कि आपके मुस्कुराहट के पीछे वाकई में खुशी छिपी होगी। लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहेंगे, जो बड़ा ऐलान यहाँ पर प्रियंका गांधी ने किया है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, क्या स्वागत कर रहे हैं उसका आप? देखो कि रंजना जी, संगीता जी ने कहा है कि एक लगता तो अच्छा है, सोशल एक ये सोशल रूप से सामाजिक रूप से एक महिलाओं को सशक्त करना भी चाहिए, और उसके अंदर मत तो लगता है कि सारी पार्टियां हैं उनको भी करना चाहिए। हाँ। और कुछ पार्टियां कर भी रही है, लेकिन राजनीति की जो हो रही है और चुनाव में किस समय राजनीति करना आप, और एक तो संवैधानिक रूप से आप 33% आरक्षण दे सकते हैं, और एक स्पेशल रूप से आपने कहा कि हम 40% सीटें जो महिलाओं के लिए हम रिजर्वेशन करेंगे, एक कांग्रेस पार्टी के लिए कहा। हम यूपी की हम बात करते हैं तो यूपी के अंदर पता है कि कांग्रेस कहाँ है, 6% उनको मतदान मिला, फैक्ट सबको पता है कि पिछली विधानसभा में, और 7 इनके मेंबर जीत के आए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव में, और 1 इनके सांसद है। तो आप एक खोई हुई राजनीति को कैसे अपनाना चाहते हैं? सोशल की जो आपसे सही है, और हम तो ये पूछेंगे राजस्थान में कब लागू करोगे, राजस्थान तो एक ही मंत्री है इनका। सवाल सर ये था कि आप खुश हैं कि नहीं है, सवाल सर ये था कि आप इस फैसले से, इस ऐलान से आप खुश हैं कि नहीं है? नहीं नहीं नहीं, आप स्वागत कर रहे हैं इसका? मैंने कहा कि संवैधानिक रूप से, और एक आप पॉलिटिकल नहीं, मैं एक पॉलिटिकल इनके कांग्रेस के आप करना, एक मैं कह रहा हूँ कांग्रेस का एक बात अलग चीज है, आप स्वागत किस चीज का करें? आप कल देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कहा मैं लड़की हूं, चुनाव लड़ना चाहिए, कौन है परिवारवाद, 2 आजू बाजू परिवारवाद, 7 पुरुष बैठे थे उसके अंदर, तो हम बात नहीं करें पॉलिटिकल बात होकर के, और इन्होंने क्या कहा संगीता जी ने? अशोक जी पॉलिटिकल बात भी करेंगे हम, पॉलिटिकल बात भी करेंगे। राजस्थान में प्रियंका जी आके श्रद्धांजलि देंगे क्या आकर के? अशोक जी सुनिए ना, पॉलिटिकल बात भी करेंगे, चर्चा उसी पर है, बहुत समय है पॉलिटिकल बात करने के लिए। मैंने एक व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा टिकटें महिला को यहाँ पर दी थी अन्य विपक्षी पार्टियों के मुकाबले, ऐसे में मुझे तो उम्मीद आपसे यही थी कि आप बिना झिझके एक ही सेंटेंस में पहला शब्द ही ये होगा कि आप इस ऐलान का, इस फैसले का स्वागत करते हैं, बहुत खुश हैं आप, बस यही जानना चाह रही थी मैं। पॉलिटिकल बात तो हमारी होगी, और नहीं भी होगी तो मुझे उम्मीद है कि आप दोनों जरूर करेंगे। नहीं नहीं, मैं रंजना जी कह रहा हूँ, यदि ये संसद तय करेगा। हाँ। संसद तय करेगा ना, हमने तो कहा कि 11 महिलाएं यदि केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंदर है। हाँ। तो सबसे ज्यादा मंत्रिमंडल भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, ठीक है, और संसद के अंदर तो भगेंगे ये जाकर के, कोई आत्महत्या की बात करेगा, कोई जाकर के आपके कहेंगे साहब ये तो महिलाओं को हम कैसे आगे कर सकते हैं, तो या इनके जो है यूपीए के जो घटक है वो उनसे तैयार है क्या? संसद में बात करोगे तो बता दीजिए आप संसद में बात करने के लिए तैयार हो क्या?
ठीक है, इस पर भी मैं सवाल आपसे लूंगी, लेकिन संगीता जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, सवाल मेरा ये था कि ये बड़ा मूव जो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से चला गया है, अब कितनी कारगर ये साबित होता, वो आप इसे देख रही हैं? हालांकि एक बहुत बड़ा तबका है उत्तर प्रदेश में महिला वोट बैंक का, लगभग 14 करोड़ से ज्यादा जो वोटर्स वहां पर है उसमें 6 करोड़ से ज्यादा तो महिलाएं ही है, सक्सेसफुल होता हुआ देख रही है इसे आप? देखिए रंजना, पहले तो मैं शेखावत जी की बात का जवाब दूंगी कि ये कह रहे थे कि राजनीति कर रहे हो। अरे भैया एक चीज बताओ, बिना चुनाव के टिकट देंगे क्या आप? बिना टिकट के, बिना चुनाव जब होंगे तभी तो महिलाओं को टिकट मिलेगा ना, तो राजनीति कहाँ से हो गई, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो देखिए जो ना समझ है उसको समझ में आएगा भी नहीं, उसको समझ में आएगा भी नहीं। आप बीच में मत बोलिए, मैं बात कर लूँ, फिर आप बोलिएगा। देखिए मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस बात में जो वजन है, इस बात में जो लड़की ये कहना चाह रही है कि मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं सशक्त हूँ, मैं मजबूत हूँ, उस बात का वजन इसमें है, वो ये दर्शाती, ये वाक्य दर्शाता है कि कहीं पे भी जरूरत पड़ी ना। देखिए आज जब महिलाओं की हम बात करते हैं तो महिला एक अच्छी मैनेजर है, वो घर के साथ साथ बाहर के काम और बच्चों के काम और साथ ही साथ अपने घर परिवार के सब सब काम बखूबी जब निभा सकती है तो राजनीति में क्यों नहीं। तो प्रियंका जी ने जब ये कहा कि भाई महिलाओं को राजनीति में भी राजनीति में मौका देना चाहिए, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पेट में दर्द क्यों है, इसका मतलब तो ये हुआ। और हम तो कहते भी हैं कि देखिए नरेंद्र मोदी सरकार महिला विरोधी तो है ही, साथ ही साथ युवा विरोधी और किसान विरोधी भी है, ये बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप देखिए जिस दिन नवरात्र स्थापना थी उस दिन रसोई गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ाए थे, आप महिलाओं को जब महिलाएं नवरात्र माँ दुर्गा का स्वरूप है, जब हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि महिलाएं लक्ष्मी स्वरूपा सरस्वती स्वरूपा दुर्गा स्वरूपा होती हैं, मैं तो कहती भैया मत मानो, आप महिलाओं को महिला होने का सम्मान तो दो, लेकिन वो सम्मान के लिए तरसती हैं, वो अधिकार और हक के लिए लड़ती हैं, लेकिन उनको मिलता नहीं है। अब जब कांग्रेस पार्टी जब हमेशा से, देखिए मैं तो कह रही हूँ हमेशा से कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं का सम्मान किया, कांग्रेस पार्टी ने उनको सम्मान और अधिकार दिए, और आज ये शुरुआत हुई है तो भारतीय जनता पार्टी को उनके प्रतिनिधियों को जहाँ स्वागत करना चाहिए, या अनर्गल बातें कर रहे हैं। अरे भैया मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा, अशोक जी, अशोक जी, कल मेरे साथ में एक महिला बैठी थी डिबेट में, वो भी इस बात से खुश नहीं। अरे भैया आप चलो ये तो पुरुष हैं, महिला है तो महिला भी खुश नहीं। मुझे अशोक शेखावत साहब, शेखावत साहब, संगीता जी ने बड़ा आरोप यहाँ पर लगाया है, इसे परेशानी है आपको, आपको ठीक है, ठीक है, ठीक है। अशोक शेखावत जी, बड़ा आरोप आपने भी लगाया कांग्रेस पर कि इस एक ऐलान के जरिए कांग्रेस जो है वो राजनीति करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हाल ही में आप ही के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि हमने सबसे ज्यादा टिकटें पिछले विधानसभा चुनाव में महिलाओं में को हमने, हमारी पार्टी ने दी थी। पंचायत चुनाव का भी जिक्र उन्होंने किया और कहा कि महिलाओं को सबसे ज्यादा सम्मान हमने दिया, और एक बार फिर से उन्होंने दोहराया कि इस बार भी संसदीय बोर्ड सबसे ज्यादा सम्मान किसी को देगा तो महिलाओं को देगा। क्या इसे भी समझा जाए कि आप चुनावों के लिए कर रहे हैं, आपकी भी राजनीतिक मूव है? देखो कि रंजना जी, मैं तो लगता है कि एक आप यदि पार्टी की बात करें कांग्रेस और बीजेपी की, आप 2008 के अंदर हमने संकल्प लिया कि 30% महिलाओं को हम संगठन में लेंगे। सर सवाल तो मेरा वो नहीं है, सर सवाल मेरा वो बिल्कुल नहीं है, सवाल मेरा वो नहीं है अशोक जी, पहले भी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। नहीं मैं रंजना जी उसी पर आ रहा हूं, नहीं नहीं सवाल मेरा बस इतना सा है, आप उस पर आइएगा, आप उस पर आइएगा, नहीं आप उस पर आइएगा, पहले आप इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप भी राजनीति करते हैं महिलाओं, नहीं नहीं आप महिलाओं के नाम पर क्या आप भी राजनीति करते हैं अगर आप कांग्रेस पर ऐसा आरोप लगा रहे हैं? ठीक है, अगर मानिए राजनीति हुई क्या रंजना जी, ये राजनीति कहां हुई? तो मानिए ना कांग्रेस भी राजनीति नहीं कर रही है, तो मानिए ना कि कांग्रेस भी राजनीति नहीं कर रही है। आप लीडिंग की सुन करेंगे, मैं लीडिंग की सुन का उत्तर दूंगा मैं। नहीं आप जब कांग्रेस को कहते हैं कि महिलाओं के कंधों पर रखकर कांग्रेस बंदूक चलाने की कोशिश कर रही है, निशाना साधने की कोशिश कर रही है, तो आप भी मानिए ना कि आप भी राजनीति कर रहे हैं, 2017 से कर रहे हैं आप, तो फिर नहीं ठीक, आप पूछ लीजिए, नहीं आप बस हाँ या ना में जवाब दीजिए, उसके बाद आप जो कहना चाहते हैं पूरा समय में दूंगी, क्योंकि पहले भी जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया। अब आप देखो आप दो बात कह रहे हैं ना, आप अपने स्टेटमेंट को सर कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है कहिए, चलिए कहिए सर, नहीं नहीं कहिए, कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं कर रहा मेरे स्टेटमेंट को, मैं कह रहा हूँ यदि बात नहीं यदि आप मुझे समय दीजिए तो मैं बताऊंगा आपको। आपको शेखावत जी बोलिए बोलिए, देखिए रंजना जी आप सुनिए, यदि भारतीय जनता पार्टी यदि 30% यदि कैडर बेस में महिलाओं को यदि
जगह देती है। हाँ। क्या कांग्रेस दे रही है वर्तमान के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर बता दीजिए, नहीं दे रही है। और खाली खाली पुलाव की बातें करें, महिलाओं को हम करेंगे, परिवारवाद पर पार्टी चलने वाली, एक जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते उसके अंदर इम्प्लीमेशन आप करो, अच्छा लगेगा, निष्पादन करो तो अच्छा लगेगा, कहने से अच्छा नहीं लगेगा। ये कह रहे हैं कि हमने श्रद्धांजलि अर्पित करी, क्या श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राजस्थान की में आएंगे कि आप नहीं आएंगे? राजस्थान में वेट कम करेंगे आप नहीं करेंगे? किसानों को गढ़साना के अंदर लाठियों से मारोगे कम करोगे क्या आकर नहीं करेंगे? राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति के लिए प्रियंका गांधी जी कर रहे हैं और कौन कर रहा है? इसकी बात हम अब बात नहीं करेंगे। और दूसरी, आपने कहा कि आप ये बताइए कि महिलाओं के प्रति आपका भारतीय जनता पार्टी का क्या है? आप देखिए कि राजस्थान के अंदर आप हमारा कैडर है, वर्तमान के अंदर कैडर के अंदर 30% का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे क्या? उसके अलावा महिलाओं को यदि 1993 के अंदर राजस्थान के अंदर भैरव सिंह जी शेखावत की सरकार थी उसके अंदर पंचायती राज और नगर पालिकाओं में रिजोल्यूशन देने का काम किया, उसके बाद में नहीं कह रहे। और इनके जो सांसद हैं उनके बारे में नहीं कहेंगे कि किस प्रकार से महिलाओं के प्रति कर रहे हैं? कल का ही इनका वीडियो आया है, उस वीडियो के अंदर आपने देखा है ना किस प्रकार से बेचारे कोई महिला ही थी उसको पीटा जा रहा है, और कल ही उनके कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। तो क्या हम ये सवाल नहीं उठाए इनसे लोगों से? मतलब आप कैसे सवाल करो, हंसी भी करो और कर रहे हैं ये बात। मतलब आप ये बताइए महिलाओं के नाम से काम करो कौन मना करता है? काम थोड़ी कर रहे हैं आप रंजना जी, रंजना जी काम करते तो हम भी अप्रिशिएट करते। ठीक है संगीता सर जी, जवाब दीजिए, जहाँ चुनाव है वहाँ महिलाओं को साधने की आप कोशिश कर रहे हैं? इतनी योजना, ठीक है सर, आप ही का सवाल ले रही हूँ, जहाँ महिलाएं हैं जहाँ पर चुनाव है वहाँ पर महिलाओं को आप साध रहे हैं? पिछली बार भी टिकट दी थी। ठीक है जहाँ आपकी सरकार है जिन राज्यों में वहाँ पर महिलाओं के लिए कांग्रेस क्या कुछ कर रही है, ये इनका सवाल है, जवाब दीजिए। ठीक है सर, आप ही का सवाल है, आप ही का सवाल। पंजाब का अलग है, यहाँ इनके पास कुछ ही नहीं खोने के लिए। रंजना हाँ। शेखावत जी को आप चुप करेंगे तब मैं। हाँ शेखावत साहब, आप ही का सवाल मैंने लिया, जवाब दीजिए संगीता जी। चुनावी वोट बैंक बना रहे हैं, जहां पर आपके खुद के राज्यों में सरकार है वहां पर आप क्या कर रहे हैं? रंजना देखो, मैं ये कहूँ कि शेखावत जी किस तरह की अज्ञानता की बात कर रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगेगा। उसका उत्तर दीजिए, आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, अज्ञानता क्या है, आप बीच में मत बोलिए, मेरी ज्ञानता अज्ञानता की बात छोड़ दीजिए, आप तो बताइए कि आप बोलते रहिए, आप बता दीजिए, बोलते रहिए। शेखावत साहब बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, आप ही का सवाल है, आप ही का सवाल है, बीच में बोलिए क्या, पंजाब को बता दीजिए, आप मेरी बात तो पूरी होने दो, शेखावत साहब को बता दीजिए ना, आप मेरी बात पूरी होने दो, आप बोलते रहिए, मैं ज्ञान हूं, सबको ज्ञान आपको ही बराबर है, ज्ञान तो इनको ही है, तो वो ज्ञान इनको है, बताएंगी मैम ना, जवाब दे रही है, जवाब दे रही है। रंजना मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि देखिए शेखावत जी जब बोल रहे थे, बिल्कुल शेखावत जी बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोली, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि बीजेपी के प्रतिनिधि बीच में ना बोले तो जनता तक बात जानी चाहिए। हाँ बहुत ज्यादा जरूरी है, जनता के सवाल का जवाब उन्हें मिले। कह रहे थे कि आप पंजाब में करेंगे अदर स्टेट में करेंगे, चुनाव अभी कहाँ पर है, यूपी में है, यूपी में यूपी की प्रभारी कौन है, प्रियंका जी है, महासचिव है पार्टी की, और हमारे यहाँ की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हैं, जिस पार्टी की अध्यक्षा माननीय सोनिया गांधी जी हो, उनकी सोच महिलाओं के लिए कैसे होगी या कैसी है वो साफ इनको दिख गया। लेकिन ये नहीं कहते कि साहब हम इस बात का स्वागत करते हैं, क्यों नहीं कहते? मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, आप इस बात का स्वागत क्यों नहीं करते? इस बात का तात्पर्य है कि आप महिला विरोधी हो, महिला विरोधी हो, मतलब इनके हाँ में हाँ भरे हैं वो स्वागत हो, मतलब महिला विरोधी, भैया सुनिए मेरी बात, मतलब कैसा आलम से लगा रहे हैं, बीच में बोल रहे हैं महिला विरोधी कौन थे, महिला विरोधी कौन थे, बीजेपी के प्रतिनिधि आते वो बीच में बोले बिना नहीं मानते, नहीं नहीं, और यही बात है ना, यही बात है कि आप सोचते हो कि जनता तक सच बात जाए ही नहीं, कौन मना कर रहा है? आप कुछ भी कह लीजिए, जनता आपके सच को जान चुकी है, सच तो जान भारतीय जनता पार्टी झूठी झूठी पार्टी पार्टी बदलाने करिए, कहाँ की बातें, आप अकेले बोलिए, फिर आप इनसे बहस कर लीजिए, हमारी जरूरत है नहीं, आप इनसे बहस करा लीजिए। शेखावत जी इस बात को समझना भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, चुनाव के दौरान इस तरीके की आप बीच में क्यों सवाल पूछा कि पंजाब में क्यों नहीं कर रहे, आप आ गए यहाँ से कभी वहाँ से, मेरे से प्रश्न पूछा मैंने बता दिया, पंजाब में क्या हुआ बताइए, राजस्थान में क्या हुआ बताइए, बताइए ना,
आप चुप रहेंगे सर, एक बार संगीता जी एक बार रुके, सवाल क्या है शेखावत साहब, आप बोल नहीं रहे ना, शेखावत जी सवाल पूछ लीजिए, फिर उनको बोलने दीजिएगा, सवाल पूछ लीजिए अपना। मैंने पूछा राजस्थान में एक महिला को क्यों दिया, ठीक है, एक महिला को, एक महिला आज मंत्री है, क्यों है? बस हो गया संगीता जी, अब आप चुप रहिएगा शेखावत जी, सवाल हो गया आपका, अब जवाब देने दीजिए, ठीक है संगीता जी बोलिए, अब आप बोलिएगा मत बीच में। रंजना, मैं जयपुर की निवासी हूँ, मैं जयपुर से ही शुरुआत करती हूँ। जयपुर में कांग्रेस पार्टी ने 2 महिलाओं को टिकट दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने कितनों को दिया था, पहला सवाल। दूसरी बात, जो आप संगठन की बात कर रहे हो, तो भैया मैं उदाहरण खुद यहाँ बैठी हूँ, मैं मेरी पार्टी की इस प्रदेश सचिव रही, प्रवक्ता हूँ, और आप ये बात कर रहे हो कि आपके संगठन में, तो देखिए इस तरह की झूठी और अनर्गल बातें जनता तक पहुंचा के आप अपनी खामियों को छुपा नहीं सकते। मैं तो ये कहती हूँ कि अभी यूपी में चुनाव है, यूपी में घोषणा कर दी गई, अब उसके बाद अदर स्टेट में चुनाव होंगे, वहां देखा जाएगा क्या होना है। वहां की प्रभारी कौन है? प्रियंका जी। प्रियंका जी ने ये घोषणा की है, और अब वो चाहती तो 50% भी कर देती, लेकिन 40% की है, क्योंकि वहां पर भी सेंटर में एक कमेटी होती है, कमेटी महासचिव जी के साथ में, प्रियंका जी के साथ में बैठ के डिसीजन लेती है। तो ये खुद भी जानते हैं, राजनीतिक दल से ताल्लुकात रखते हैं, इतने अज्ञानी नहीं है, लेकिन अज्ञानता इनकी यहाँ झलकती है। कहते साहब आपने यूपी में क्यों किया, अरे भैया यूपी में चुनाव है तो यूपी में घोषणा कर दी, अदर स्टेट में जब चुनाव होंगे तब वहां पे देखा जाएगा क्या होगा। अभी आप सब्र रखिए, अभी जो हुआ है उसका आपको स्वागत करना चाहिए। लेकिन संगीता जी, बड़ा सवाल ये है कि प्रियंका गांधी के ऐलान के बाद अन्य राज्यों में भी, प्रियंका गांधी के, मैम सुनिए, प्रियंका गांधी के, चाहती हूँ कि भैया आप 2014 के बाद में 300% एक्साइज ड्यूटी ज्यादा ले रहे हो, केंद्र सरकार क्यों नहीं करती एक्साइज ड्यूटी कम? ठीक है संगीता जी, संगीता जी वो मुद्दा नहीं है, डाइवर्ट मत कीजिए, संगीता जी रुकिए ना, आप जो कह रहे हैं बड़ा ऐलान किया है, शेखावत साहब नहीं मान रहे, लेकिन मैं पर्सनली इस ऐलान का स्वागत करती हूँ एक महिला होने के नाते। लेकिन अब चूंकि अन्य राज्यों में जहां पर आपकी सरकारें भी हैं, वहां इस फॉर्मूले को लागू करने के लिए आवाज उठने लगी है, उसको लेकर मांग भी उठ रही है, क्या वहां पर लागू होगा? देखिए रंजना, मैंने आपको पहले इस बात को स्पष्ट कहा है कि यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी जी हैं, महासचिव हैं पार्टी की, उन्होंने वहां पे एक बड़ा फैसला लिया, सेंट्रल कमेटी के सामने ये प्रपोजल रखा, और सेंट्रल कमेटी ने 50% के बजाय 40% टिकट देने का जो उनका प्रपोजल था स्वीकार कर लिया। अब अन्य राज्यों में जब चुनाव होगा तो सेंटर में जो कमेटी बैठेगी वो इस पर डिसीजन लेगी, जैसे जैसे चुनाव होंगे वैसे वैसे डिसीजन लिया जाएगा। ये कहीं भैया आज ही घोषणा कर दो, तो मैं तो आपसे कह रही हूँ केंद्र सरकार क्यों 33% का बिल लटका के बैठी है, क्यों नहीं करती 33% आरक्षण जो बिल है वो पास कर दे, भैया आपके पास बहुमत भी है, सरकार भी आपकी है। शेखावत जी जल्दी से जवाब, छोटा सा जवाब, ठीक है, ना विपक्ष की जरूरत है, संगीता जी इस बात को मान रही है, संगीता जी इस बात को मान रही है कि चुनावों के दौरान वो ये फैसले लेंगी कांग्रेस, वो इस बात को मान रही है, आप भी मानिए ना कि आपने भी चुनावों में ये किया है। नहीं नहीं अरेना, ये 33% आरक्षण का बिल जो है, मैं इनसे सिर्फ एक ही बात जानना चाहती हूँ कि वो बिल समय की कमी है, समय की कमी, शेखावत जी जल्दी से जवाब दीजिए, शेखावत जी समय की कमी मैम। संगीता जी देखो, आप मैंने 3 बार सवाल पूछ लिया, पंजाब का पूछ लिया, राजस्थान का पूछ लिया, आपने 4 बार पूछ लिया, गोलमाल इन्होंने जवाब दिया, बताया नहीं कि उसमें देंगे नहीं देंगे, फिर इन्होंने कहा कि मैंने बोला ना कि जब, चलिए ठीक है समय की कमी, बहुत शुक्रिया शेखावत जी, संगीता जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें वाद विवाद होना नहीं चाहिए, महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए, और जब बड़े स्तर पर महिलाएं बैठेंगी और शायद तभी महिला सशक्तिकरण को लेकर तस्वीर जो इस वक्त तक बदल जानी चाहिए थी वो जरूर बदलेगी। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।